Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 20th of our Global Marketing module. Today's lecture is part B of our chapter Global Product and Service Strategies, here written as Global Product Strategies. This chapter, which deals with how to launch global products or global services in foreign countries, has been explained in our last lecture, lecture number 19, and remaining concepts, remaining topics will be covered today. Before we proceed, let's have a look at what we covered in our last lecture. In our last lecture, we discussed about product design in a global environment and branding decisions. While discussing about product design in a global environment, we talked about that it is one of the most important decisions related to global marketing. You ask yourself questions like whether a firm's product your products can be sold in their present form or whether they need to be adapted to foreign market requirements. So the answer to this question is it depends. It depends on several factors. Standardizing mein aap ek product ek hi form mein with just little modifications or no modification at all different countries mein launch karte hain, standardized version of the product launch karte hain. Adaptation mein aap country to country changings lekar aate hain, country to country us product ke variants mein aap changings karte hain. Ab standardizing ka kya advantage hai? अब अगर एक स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट्स में लॉन्च करें तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही आपकी प्राइस, आपकी कॉस्ट कम होगी, पर यूनिट कॉस्ट में कमी आएगी. और जब पर यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन होती है, कमी आती है, तो आपकी एवेंचुअली प्राइस भी कम होती है, आपके मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंक्रीज होते हैं. इफ़ अ प्रोडक्ट हैव हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल, जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के केस में होता है, इन्हें ग्लोबल मार्केट्स में बहुत जल्दी एंटर होने की ज़रूरत होती है. इन्हें बहुत जल्दी एंटर होना पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो जाती है अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च ना करें. अगर आप प्रोडक्ट अडेप्टेशन पे टाइम लगा दें, प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स डेवलप करने में टाइम लगा दें, अपना स्पेंड कर दें, तो एक प्रॉब्लम होगा कि आप जब लॉन्च करने जा रहे होंगे प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो चुकी होगी. मोटोरोला के साथ ये एक प्रॉब्लम हुआ था. मोटोरोला एक बहुत बड़ा ब्रांड, इसकी बहुत बड़ी मार्केट शेयर इसके पास सेल फोन कंज्यूमर्स का था. इस मोटोरोला ब्रांड ने मोटोरोला रेजर जैसे ब्रांड्स के हेल्प से, मोटोरोला रेजर्स के ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर प्रोडक्ट से अच्छा खासे मार्केट शेयर कैप्चर किया और ग्रोथ इसने की. बट थोड़ी सी इन्होंने देर कर दी टू एंटर
सॉफ्ट टू एंड, बट थोड़ी सी इन्होंने देर कर दी इन एंटरिंग स्मार्टफोन मार्केट. जब ये स्मार्टफोन मार्केट में एंटर हुए तो प्लेयर्स लाइक एप्पल विद इट्स ब्रांड आईफोन, ब्लैकबेरी एंड ब्रांड्स लाइक सैमसंग वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट. देवर रीपिंग गुड प्रॉफिट्स और अच्छा खासा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया हुआ था. सो देवर फोकसिंग, मोटरोला वर फोकसिंग ऑन डिवेलपिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड वेरी फाइन प्रोडक्ट फॉर दिस स्मार्टफोन मार्केट, बट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए अगर बहुत जल्दी टेक्नोलॉजीज चेंज होती. फर्दर मोर अगर बायर देमसेल्व्स आर इंटरनेशनल फर्म्स, वो प्रेफर करेंगी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हो जो दुनिया में हर जगह अवेलेबल हो. सो बेटर है कि आप एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के साथ जाएं. बट समटाइम्स कंट्री टू कंट्री सेवरल वेरिएशंस आती हैं, कंट्री टू कंट्री बहुत सारी थिंग्स चेंज होती हैं, बहुत सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स, जैसे कि क्लाइमेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज़ कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो वहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट में एडाप्टेशन लेकर आनी पड़ेगी. क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूज़ कंडीशंस समटाइम्स ये डिक्टेट करती हैं कि आप प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आए. अब इंटरनेशनल मार्केटियर्स ये जो फिजिकल जो रियलिटीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू दोज रियलिटीज़ वो प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आते हैं और उन्हें प्रोडक्ट में चेंजिंग लेके आना पड़ती है. एयर कंडीशनर सऊदी अरेबिया में जो यूज़ होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है एक बहुत ही हॉट क्लाइमेट, एंड सेकेंडली बहुत ही डस्टी एक क्लाइमेट. सो डस्ट वाली जो सिचुएशन है, फिजिकल कंडीशन है, क्लाइमेट को वो फेस करते हैं. सो उन्हें थोड़ा बहुत इस हीट, कोल्ड, मॉइस्चर एंड विंड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. सिमिलरली पेंट, अब जो पेंट यूज होगा एक बहुत वेट एरिया में वो पेंट में भी यूज़ के काबिल ना हो, एक रेगिस्तान या डेजर्ट के एरिया में, और वो पेंट में भी यूज़ ना किया जा सके एक ठंडे इलाके में या एक गर्म इलाके में. सो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आने पड़ेंगे. अब प्रोडक्ट को मे बी यूज़ कंडीशन से भी अडेप्ट करना पड़े, उसकी बेस पे भी उसमें चेंजिंग्स करनी पड़े. बहुत सारे कंट्रीज में डिटर्जेंट्स डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल जापान में जो चीयर एक ब्रांड था प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, उसने अपने आप को प्रमोट किया एज ऑल टेम्परेचर डिटर्जेंट, कि किसी भी टेम्परेचर में आप उसे यूज़ कर सकते हैं. बट बहुत सारे जापानीज़ जो थे वो अपने कपड़े ठंडे पानी से जो के वॉश करते थे, या वो बाथ का पानी जो के लेफ्ट ओवर हो जाता था उससे वो वॉश किया करते थे. जो कंज्यूमर था वो फैब्रिक सॉफ्टनर की करेक्टरिस्टिक्स भी चाहता था उस डिटर्जेंट में जो के वो यूज़ करें. देन ये ऐसी रिक्वायरमेंट थी, यूज़ कंडीशंस ऐसी थी जिसकी बेस पे P&G को अपना डिटर्जेंट ब्रांड चीयर रीफार्मुलेट करना पड़ा. सो आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने ब्रांड को ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ कंडीशन. देन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे कंट्रीज़ के होते हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाएं कि वो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें. अब कंट्री टू कंट्री ये स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते हैं. एक कंट्री में अगर कोई स्टैंडर्ड है मे बी वो डिफरेंट कंट्री में एप्लीकेबल ना हो, या उस कंट्री में
एक डिफरेंट स्टैंडर्ड हो रिलेटेड टू दैट। BMW की हमने एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर की थी, BMW की अगर आप रिकॉल करें। हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स प्रेफर की जाती हैं वो कम्प्लेक्स हाईली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स विद इनोवेटिव फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स, विद बेटर स्पेसिफिकेशन और इनोवेशन, इस तरह की प्रोडक्ट्स वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के कंज्यूमर लाइक करते हैं। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल लव सिंपल प्रोडक्ट्स विद जस्ट नेसेसरी फीचर्स, नॉट वेरी रॉकेट साइंस गैजेट्स। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेव कॉस्ट, जब एक्स्ट्रा फीचर्स आप ऐड करेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और डेवलप्ड कंट्रीज के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ऑफकोर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज दे कैन फेस द ऑपोजिट चैलेंज व्हेन अटेम्प्टिंग टू सेल ओवरसीज। अब ओवरसीज में मे बी डेवलप्ड कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पर चैलेंज आपको डिफरेंट फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स आए हैं, तो दे मस्ट इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। अच्छा, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर कंपेटिटिव ऑन एक्सपोर्ट मार्केट्स हैज़ बीन या हैज़ बिकम समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक मैक्सिको। वहाँ पे they are obsessed with producing high quality technologically sophisticated products. major companies jaisa ke alpha business group hai, cmex hai, they have joined forces with universities to establish programs to supply mexican industry with top flight engineers and the effort has paid off. 15 years ke baad The country joined NAFTA in 1994. Mexico exports had more than doubled. अब क्यों डबल हुई उनकी exports? Because they were focusing on creating technologically sophisticated products, very good quality products. जिसका उन्हें फायदा ये हुआ कि जब NAFTA North America Free Trade Agreement 1994 में हुआ तो इस country की exports double हो गई। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी हमने बात की थी थोड़ी बहुत के कि कंट्री टू कंट्री एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, कंट्री टू कंट्री अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। सो व्हाट वी नीड इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड जो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई किया जा सके, इस पे हमने डिस्कशन की थी। देन हमने कल्चरल प्रेफरेंस से रिलेटेड बात की थी कि यू हैव टू अडैप्ट योर प्रोडक्ट by keeping cultural preferences in mind, जो colors आप अपने product के पाकिस्तान में launch करेंगे वो colors में भी किसी और country में suitable ना हो, people perception of the color, people meaning of the color ये change होती रहती है और ये country to country vary भी करती है। so किसी country में अगर आप फास्ट फूड चेन ओपन करने जा रहे हैं वहाँ पे मे बी मटन खाना वो लाइक ना करें और चिकन खाना लाइक ना करें और बीफ खाना वो पसंद ना करें। अगर मैकडोनल्ड्स है तो वो मैकडोनल्ड्स बीफ के बर्गर्स इंडिया में सेल करते हुए उसे प्रॉब्लम होगी, तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइंड में रख के, कल्चरल जो प्रेफरेंसेस है माइंड में रख के आपको अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। देन प्रोडक्ट साइज एंड डिमेंशंस की भी बात की थी कि कुछ कंट्रीज़ में बड़ी प्रोडक्ट्स लाइक की जाती हैं, कुछ कंट्रीज़ में छोटी प्रोडक्ट्स लाइक की जाती हैं, स्लीक प्रोडक्ट्स लाइक की जाती हैं। इस पर हमने बात करते हुए कहा जापानीज एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि जापान के कंज्यूमर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ अदर कंट्रीज़, इस पर हम एलैबोरेटली बात कर चुके हैं। देन हमने ब्रांडिंग डिसीजंस की बात की थी, ब्रांडिंग डिसीजंस की बात करते हुए हमने कहा था ब्रांडिंग इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिंग आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट। अब वो आइडेंटिटी आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप सबसे पहले ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड नेम के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। देन ब्रांड नेम के साथ आप उसके हो सकता है लोगो सेलेक्ट करें, लोगो के साथ ब्रांड का कलर भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉमसेट्स का अगर आप देखें ब्रांडिंग कलर वो ब्लू कलर है जो उसके लोगो में भी है, उसके कम्युनिकेशन के मटेरियल में भी हम यूज़ करते हैं। देन हमारी जो
गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी ब्लू कलर का लोगो हम वो पेस्टेड होता है कॉमसाइट्स की गाड़ियों के ऊपर। देन यूफोन का अगर आप कलर देखें दैट इज़ ऑरेंज, अगर आप टेलीनॉल का कलर देखें दैट इज़ स्काई ब्लू, कोको कोला का कलर देखें दैट इज़ रेड, और अगर आप कलर देखें किसी और कंपनी का जैसे कि कैडबरी है तो उनका इट्स इंडिगो काइंड ऑफ या पर्पल कलर जो कि कैडबरी यूज़ कर रही है। देन हमने बात की थी कि समटाइम्स आपको ब्रांडिंग करेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैस्कॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू क्रिएट द आइडेंटिटी, जैसे कि आजकल डिटोल का मैस्कॉट शाहिद अफरीदी है, कैप्टन सेफ गार्ड वो जो सोप है उसका मैस्कॉट है, प्रिंस प्रिंस बिस्किट का मैस्कॉट है, और एक पाइपर जो बहुत सारे बिस्किट कुकीज़ के उसमें पाइपर भी वो एक करेक्टर है वो उसका मैस्कॉट है, बबिंडम मिशेलिन का मैस्कॉट है, और फिडो डिडो की हमने बात की थी जो कि सेवन अप का मैस्कॉट है। सो डिफरेंट मैस्कॉट्स की हमने बात की थी, डिंग डोंग की आपको याद है बिल्ली है एक डिंग डोंग की वो उसका मैस्कॉट है। सो मैस्कॉट्स भी आपकी ब्रांडिंग या ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। देन हमने साउंड की भी बात की थी कि साउंड कुड बी यूज्ड एज ब्रांड सिंबल, उसमें हमने बात की थी कि एयरटेल का साउंड अगर आपको याद हो, नोकिया का साउंड याद हो, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ के साउंड अगर आपको याद हो, डोकोमो एक सेलुलर सर्विस है उसके साउंड भी हमने बात की थी वो भी आपको याद होने चाहिए, और वो भी एज अ ब्रांड आइडेंटिटी करेक्टर या ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। सो हमने बहुत सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात की थी, एंड पे हमने सेंट की भी बात की थी कि सेंट आल्सो कुड बी यूज एज ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट, इस पे कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सेंट से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज जैसे कि लुफ्थांसा है, सिंगापुर एयरलाइन है, ये आपको एयर फ्रांस है, ये सेंटेड मटेरियल यूज़ करते हैं, सेंटेड इनके टॉवल सेंटेड होंगे, इनके डिफरेंट आइटम्स जो आप इन द फ्लाइट यूज़ करते हैं, केबन्स जो होंगे वो भी सेंटेड होंगे। सो ये अपनी रिकॉग्निशन क्रिएट करने के लिए, ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए सेंट भी यूज़ करते हैं। देन हमने बात की थी कि प्रोडक्ट के अपनी शेप, उसकी एंगुलैरिटी, उसकी डायमेंशंस, उसकी पैकेजिंग, उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसके ऊपर ब्रांड पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग, एवरीथिंग इज़ यूज्ड फॉर ब्रांडिंग, वो ब्रांड के लिए उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। देन हमने इसी को कंटिन्यू करते हुए बात की थी जिसमें हमने ब्रांड नेम सिलेक्शन के ऊपर डिस्कस किया था कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे ब्रांड नेम। ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है, आपको कल्चर टू कल्चर ब्रांड नेम्स के मीनिंग्स के ऊपर भी फोकस करना है कि कैसे मीनिंग्स एक कल्चर में से दूसरे कल्चर में मीनिंग चेंज हो जाता है, सो आपको वो भी देखना है। समटाइम्स ब्रांड नेम्स के जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, समटाइम्स ब्रांड नेम जो यूज़ करते हैं हम वो नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, कोई इसका मीनिंग नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम में अगर आप देखें तो सन सिल्क एक ब्रांड नेम है, देन आप डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम में देखें पकवान एक ब्रांड नेम है, जायका एक ब्रांड नेम है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम में अगर देखें यमी एक ब्रांड नेम है जो डिस्क्रिप्टिव है, इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम में देखें तो स्विफ्ट सुजुकी स्विफ्ट जो ब्रांड नेम है सुजुकी का वो डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम है, इसके अलावा अगर आप देखें मस्टैंग ब्रांड नेम डिस्क्रिप्टिव है, ये मीनिंगफुल ब्रांड नेम होते हैं। नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम जो कि मीनिंगलेस ब्रांड नेम है उसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं, लेक्सस है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके अलावा डेल जो ब्रांड नेम है इसका कोई मीनिंग नहीं है, फाउंडर के नेम को यूज़ करके डेल ये बना था। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रांड नेम ज़िरोक्स इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो ब्रांड नेम्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम। सो जब आप ब्रांड नेम ग्लोबली आप सेलेक्ट करें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसका मीनिंग बहुत अच्छा हो, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो सके। अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कोई नेगेटिव बन जाता है, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वो ब्रांड नेम यूज़ करें जिसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम यूज़ करें
मीनिंगलेस ब्रांड नेम यूज़ करें, वो किसी और कंट्री में लॉन्च करते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेकेंडली वो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब हेल्दी चॉइस ब्रांड नेम खाने पीने के प्रोडक्ट्स के साथ तो सूटेबल है, लेकिन अगर आप हेल्दी चॉइस का हैंडी कैम लॉन्च करें, हेल्दी चॉइस का आप सेल फोन लॉन्च करें, या हेल्दी चॉइस का आप माउस लॉन्च करें, या हेल्दी चॉइस की कारपेट लॉन्च करें, तो कुड बी कि ये इतना सूटेबल ब्रांड नेम ना हो इन प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए। देन हमने सिंगल कंट्री वर्सेस ग्लोबल कंट्री ब्रांड नेम्स के ऊपर बात की, हमने सिलेक्टिंग ग्लोबल ब्रांड के ऊपर बात की, चेंजिंग ब्रांड नेम्स पे हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी कि ब्रांड नेम्स को चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों क्यों अगर ब्रांड नेम अगर चेंज करेंगे तो क्या ऐसी रीजन हैं जिसकी बेस पे चेंज करें। सेकंडली अगर ब्रांड नेम हम चेंज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये थोड़े बहुत ऐसे डिसीजंस हैं जिसके ऊपर बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में की थी। ग्लोबल ब्रांडिंग के ऊपर भी हमने डिस्कशन अच्छी खासी की थी, जिसपे हमने बात किया था कि ये सिंपली एक ग्लोबल ब्रांड नेम इस्टेब्लिश करने का नाम नहीं है। ग्लोबल ब्रांडिंग इसका मतलब ये है कि ब्रांड नेम आपका डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होगा, आपका ब्रांड लाइक जो पोजीशनिंग उसकी आपके अपने कंट्री में, वही पोजीशनिंग उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। अगर वो अपने कंट्री में एज़ मॉर्निंग स्नैक के तौर पे यूज़ हो रहा है, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मॉर्निंग स्नैक के तौर पे वो जाना चाहिए। देन हमें पैन रीजनल ब्रांडिंग और प्राइवेट ब्रांडिंग के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, और यहाँ पर हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था। आज का हमारा लेक्चर इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज या ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्ट्रेटजीज लेक्चर चैप्टर, एंड दिस लेक्चर इज लेक्चर बी ऑफ दिस सीरीज। पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 19। सो ट्रेडमार्क्स, आपको पता है कि आपके ब्रांड नेम, आपकी जो लोगोज हैं, करेक्टर्स हैं, ये सारे आपको रजिस्टर कराने पड़ते हैं। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो दूसरी कंपनीज वो यूज़ करती हैं, और आपको फिर राइट्स उस ब्रांड नेम को यूज़ करने के नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ही हो चुका है, जैसे कि राहत बेकर्स होता था रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जो कि अब तहजीब बेकर्स के नाम से जाना जाता है। वो ट्रेडमार्क्स वायलेशंस उन्होंने की, ट्रेडमार्क राहत बेकर लाहौर का उन्होंने यूज़ किया, तो उन्हें अपना ये बेकर को चेंज करना पड़ा। उसको जो बेकरी के जो ब्रांड नेम था राहत, उसको अवॉइड करना, उसको छोड़ना पड़ा। अब वो ब्रांड नेम तहजीब में कन्वर्ट हो गया। सो ट्रेडमार्क्स जो है, वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स, जिसमें नेम्स की वायलेशन, वर्ड सिंबल की वायलेशन, दैट इनेबल्स कस्टमर टू डिस्टिंग्विश अमंग ब्रांड्स, ये ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये आप कस्टमर को हेल्प करते हैं एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में डिस्टिंग्विश करने में। इनके साथ ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होता है, ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे जो टॉप के ब्रांड नेम्स हैं उनको बहुत सारी जो काउंटरफिट्स उसकी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं, आपको बहुत सारी वो वाली प्रोडक्ट्स जो कि हम कह सकते हैं कि कॉपी हैं, वो आपको नज़र आती हैं। अब दीज वायलेशंस कैन इन्वॉल्व द लीगल हाईजैकिंग और लोकल प्रीएम्पशन ऑफ द ब्रांड नेम, ये उसको हाईजैक कर लिया जाता है, इट्स लाइक किडनैप कर लिया जाता है उस ब्रांड नेम को, विच इज़ अनएथिकल एंड लीगली रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, समवन कुड रजिस्टर गुची ब्रांड नेम इन अ कंट्री वेयर गुची हैड येट टू रजिस्टर इट्स ब्रांड नेम। अच्छा, ये जो लॉज हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान में आपको पहले ब्रांड नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा। यूएसए में आपको पहले ब्रांड नेम यूज़ करना पड़ेगा एंड देन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट, ऑल कंट्रीज़ में एक तो ये कंसेंसस है कि कोई भी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकता। सो बड़ी कंपनीज़ वो ऐसा करती हैं कि दुनिया भर में अपने ब्रांड्स जो उनकी पोटेंशियल मार्केट्स होती हैं वहाँ पर रजिस्टर कर लेती हैं। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रजिस्टर किया कोई ब्रांड नेम और यूके में नहीं किया, तो यूके में कोई और रजिस्टर उसको करवा लेगा और वो वहाँ पे उस ब्रांड नेम के अम्ब्रेला के अंडर प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च कर देगा। सो इफ गुची की हमने जो एग्जांपल देखी कि गुची
अगर किसी और कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है, तो गुची ब्रांड नेम कोई और रजिस्टर करके वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। अगर गुची चाहता है कि वो किसी मार्केट में एंटर हो, तो इट वुड हैव टू बाय इट्स ब्रांड नेम बैक और सेल अंडर अनदर ब्रांड नेम। जिस कंट्री में वो पहले से रजिस्टर हो चुका है, अगर गुची उस कंट्री में एंटर होना चाहता है, तो गुची को ये है प्रॉब्लम है कि उसे वो अपना ब्रांड नेम बाय करना पड़ेगा या अपनी प्रोडक्ट्स किसी और ब्रांड नेम के अंडर सेल करनी पड़ेंगी, क्योंकि गुची ब्रांड नेम ऑलरेडी वहाँ उस कंट्री में रजिस्टर कोई और करवा चुका है। अब ट्रेडमार्क जो प्रियम्पशन है या वायोलेशन है, ये स्पेशली ईजी है उन कंट्रीज में दैट डू नॉट रिक्वायर द ब्रांड नेम टू बी सोल्ड इन मार्केट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन से पहले भी ब्रांड नेम्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये बहुत इजी है टू डू अनएथिकल थिंग्स विद अदर्स ब्रांड नेम। इंटरनेशनल बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड्स को फ्रॉम बीइंग वायलेटेड किसी भी लोकल मार्केट में, लाइक पेरिस कन्वेंशन ऑफ 1883। वो इसीलिए ये कन्वेंशन हुई थी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सेलर्स जिनके ब्रांड नेम्स को वायलेट किया जा सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी भी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, क्लेमिंग इट्स राइट्स अंडर द पेरिस कन्वेंशन, गुची फॉर टू केसेस इन मैक्सिको अगेंस्ट उन फर्म्स के जो के इसके ब्रांड नेम्स यूज कर रहे थे। एक केस तो ये जीत के, दूसरा केस ये हार गए। जो के दूसरा केस ये हारे हैं, मैक्सिकन जज वॉज नॉट कन्विंस दैट मैक्सिकन गवर्नमेंट हैड इवन रेटिफाइड द पेरिस कन्वेंशन मोर देन 100 ईयर्स बिफोर। उनके साथ ये प्रॉब्लम था कि वो जज ने ये कहा कि हम तो उस कन्वेंशन को मानते ही नहीं हैं, उसका इन्फ्लुएंस नहीं है हमारे कंट्री में। आज पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था 1883 में, हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन रूल्स अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेडमार्क के मार्क्स के रूल्स को डील कर रही है। कंट्रीज जो कि ज्वाइन करते हैं WTO, दे मस्ट इस्टेब्लिश नेशनल लॉज एंड प्रोटेक्ट ग्लोबल ब्रांड्स। जो WTO के अंडर कंट्रीज होंगे, उन्हें ये ऑब्लिगेटरी होता है उनके लिए कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करें। अब ये जो लॉज हैं, इसमें इंक्लूडेड होता है, इन लॉज में इंक्लूडेड होता है प्रोसीजर्स बाय विच द ऑनर्स ऑफ फेमस इंटरनेशनल ब्रांड कैन सक्सेसफुली अपोज दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर ब्रांड्स बाय लोकल प्रीएम्प्टर्स जो कि वायलेट कर रहे हैं। लोकल लॉज जो है ये मस्ट बी एडिकेट होने चाहिए, दे मस्ट बी एडिकेट टू डेटर काउंटरफीटर्स एंड कंट्रीज मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लोकल फॉरन फर्म्स हु अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्शन इन कंट्रीज जो के WTO के मेंबर हैं, उनमें वो डिस्क्रिमिनेट भी करे, उसमें देखे कि कौन किस ब्रांड नेम को ओन करता है और कौन हु वाज द फर्स्ट वन टू अप्लाई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ब्रांड नेम, और रजिस्ट्रेशन के लिए किसने पहले अप्लाई किया था। अब होल्डिंग कंट्रीज टू दीज रिक्वायरमेंट्स इज समवट एम्बिशियस, हाउएवर गिवन द फैक्ट दैट सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ WTO एग्जिबिटेड वेरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन एट द टाइम दे ज्वाइन। हर कंट्री में सोफिस्टिकेटेड लॉज नहीं थे, हर कंट्रीज में लॉज जो थे वो डिफरेंट थे। अब हुआ ये कि WTO के तो अंडर उन्होंने साइन कर लिया, लेकिन जो लॉज थे वो वेरी करते थे, इसके वजह से बहुत सारे ब्रांड नेम्स को आज भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर एक स्टडी की गई जिसमें नेशनल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के ऊपर स्टडी थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO से पहले की स्टडी थी। इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी डिस्टिंक्ट पैटर्न्स अक्रॉस कंट्री कैटेगरीज वो नजर आए। डेवलप्ड कंट्रीज जो था वहाँ पे दे प्रोवाइडेड बेस्ट अवलार प्रोटेक्शन टू द ब्रांड्स या ब्रांड नेम्स को या ब्रांड करेक्टर्स को, ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन डेवलप्ड कंट्रीज में देखने में आई। लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड ट्रांजिशनल इकोनॉमीज जो कि थी, जो चेंज हो रही थी इकोनॉमीज लाइक रशिया की, ईस्टर्न यूरोप की, वहाँ पे लॉज जो थे वीक थे, उनकी एप्लीकेबिलिटी भी इतनी अच्छी थी, एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर फॉरन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन वॉज टू स्लो
इन दीज ट्रांजिशन इकोनॉमीज लाइक चाइना, रशिया एंड अदर जो कि एशियन कंट्रीज है. सो ये ब्रांड नेम्स जो थे इन कंट्रीज में थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर्स इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, वहाँ पे प्रोसीजर इतने मैकेनाइज्ड भी नहीं थे. बहुत सारे न्यूली इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, जैसे कि ताइवान है, साउथ कोरिया है, दे हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश लोकल लॉज ऑन अ पार विद दोज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. वहाँ पे देखने में आ रहा है कि उनके लॉज अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, वो अच्छे लॉज बना लिए उन्होंने, और वहाँ पे ब्रांड्स की प्रोटेक्शन का वहाँ पे मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया. लेकिन जो रिसोर्सेज की कमी है, इन कंट्रीज की एबिलिटीज को थोड़ा सा अंडरमाइन कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं इन इन्फोर्सिंग दीज लॉज एडिकेटली. यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने में आया कि ये लॉज इतने रिजनेबली नहीं वो कर सक रहे इन्फोर्स, बिकॉज इन कंट्रीज में अभी रिसोर्सेज की भी कमी है. सो WTO ने जो के नॉर्म्स इस्टेब्लिश की हैं, ये नो डाउट एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है उनका, बट प्रॉब्लम्स अभी भी हैं. ट्रेडमार्क्स को प्रॉब्लम्स अभी भी देखने में आ रही हैं, खासतौर पे चाइना में देखें तो हर अच्छे ब्रांड की आपको कॉपी नज़र आ रही है. नाइकी की कॉपी वहाँ पे आपको मिलेगी, आपको एडिडास की कॉपी आपको मिलेगी, प्यूमा, सोनी, पैनासोनिक और बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स की कॉपीज वहाँ पे आपको नज़र आती हैं. रशिया के हवाले से ख़ास तौर पे और चाइना के हवाले से ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम बहुत डीप है, उनको बहुत फेस करना पड़ रहा है ब्रांड्स को इन कंट्रीज में जहाँ पे काउंटरफीट्स बहुत ज़्यादा. काउंटरफीट्स एंड पायरेसी जो है ये एक बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है डेवलप्ड कंट्रीज में तो ख़ास तौर पे, लेकिन ख़ास तौर पे वो जो कंपनीज हैं जो सफ़र कर रही हैं, और बिग ब्रांड्स, अच्छी ब्रांड्स की कंपनीज हैं, उनकी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स चीप होती हैं, लो क्वालिटी की होती हैं, और अच्छी खासी इस ब्रांड्स की सेल्स और उनकी रेपुटेशन को इससे थ्रेट होती है. आज बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल मार्केटर्स फेस कर रहे हैं वो यही है कि किसी तरीके से अपने ब्रांड्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम दीज काउंटरफीटिंग अटेम्प्ट्स. अब काउंटरफीटिंग इलीगल यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कहते हैं, जो आप किसी के ट्रेडमार्क को इलीगली यूज़ करते हैं, उसके लोगो को, उसके ब्रांड नेम को, इसको हम काउंटरफीटिंग कहते हैं. उर्दू में आप ऐसा कह सकते हैं कि एक नकली प्रोडक्ट, एक जाली प्रोडक्ट, ये काउंटरफीटिंग के थ्रू आप लॉन्च करते हैं, और इससे अच्छे ब्रांड्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है. काउंटरफीटर्स क्या करते हैं? एक काउंटरफीटर्स कॉपीज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, वो एक अच्छी प्रोडक्ट को कॉपी करता है, कैशिंग इन ऑन इट्स ब्रांड इक्विटी, उसकी ब्रांड इक्विटी या उसके ब्रांड ट्रस्ट, ब्रांड लॉयल्टी, उसकी ब्रांड परसीव्ड वैल्यू, उसकी एसोसिएशंस, उसकी अवेयरनेस, उसकी लॉयल्टी, उसकी मार्केट शेयर, उसके रेपुटेशन, उसके इमेज, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह को ये कॉपी करते हुए उसको कैश कराता है और अर्निंग करता है, लेकिन एक्चुअली ये ब्रांड नकली होता है. अब काउंटरफिटिंग इंजर करती है, इसका नुकसान कंपनी को भी होता है, बिजनेसेस को भी होता है, एंड कंज्यूमर्स को भी होता है. अब काउंटरफीट प्रोडक्ट्स दे अकाउंट फॉर 3% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. 3% जो ट्रेड हो रही है आज दुनिया में वो काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स की है, और इट इज ग्रोइंग, ये ग्रो भी कर रही है. सम सोर्सेज जो हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि एनुअल ट्रेड इन काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इज मोर देन ऑफ 250 बिलियन डॉलर्स ऑन ग्लोबल स्केल. मोर देन 250 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड हो रही है वो इन्हीं काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की हो गई है. यूके सोर्सेज, खास तौर पे जो यूके के सोर्सेज हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं. लॉसेस अबाउट 6% ऑफ सेल्स ऑफ टोटल सेल्स ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं आप
सारे ये काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही है, टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सेल्स का। इंडिया में काउंटरफिट जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं, एंड ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं जो कि सीरियस थ्रेट्स हैं टू पेशेंट्स एंड टू पब्लिक जो कि वहाँ की है, क्योंकि दो नंबर चीज़ होती हैं ड्रग्स हैं और उसमें कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया, जाली अद्वियात हैं जिसको खा के लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिससे काउंटरफीट्स को किसी तरीके से उसको रिड्यूस करना चाहिए, उस पर लॉज को बनना चाहिए। अदर सेक्टर्स जो कि अफेक्ट हो रहे हैं काउंटरफीटिंग से वो टॉयज़ हैं या स्पोर्टिंग गुड्स हैं। टॉयज़ और स्पोर्टिंग गुड्स के भी आपको चीप वर्जन्स मिल जाते हैं जो कि कॉपीड होते हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी करें। सिमिलरली आप देखें तो काउंटरफीट्स ऑफ परफ्यूम्स, टॉयलेट में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट टॉयलेट्रीज वो भी आपको नज़र आती हैं, एंड क्लोथिंग और फुटवेयर भी काउंटरफीटिंग में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दो नंबर वर्जन ऑफ इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स आपको नज़र आते हैं। अब जो टर्म हम पायरेसी की यूज़ करते हैं ये ऑफन सिमिलर है काउंटरफीट के, अप्लाई की जाती है टू काउंटरफीट प्रोडक्शन के ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स सच एज बुक्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक्स एंड सॉफ्टवेयर। आप पाकिस्तान में भी देखें तो चीप बुक्स आपको मिल सकती हैं, आप पायरेसी की हेल्प से डाउनलोड किए हुए म्यूजिक सुनते हैं, इसके साथ साथ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। विंडोज़ आप देखें जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पायरेटेड ही होते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक्स, मूवीज़, इनकी इल्लीगल प्रोडक्शन या हमें उसे इल्लीगल रिप्रोडक्शन कहना चाहिए ये बहुत ईजी होती है, इस वजह से इन्हें काउंटरफीटिंग का सबसे ज़्यादा सामना होता है, ये फेस करती हैं काउंटरफीटिंग को। अब एक बुक है उसकी इलीगल प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करना इतना ईजी है कि आप उसकी फ़ोटो कॉपीज करके आप या प्रिंटिंग प्रेस पे आप उसकी यूज़ कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं। सिमिलरली म्यूज़िक को आप फाइल को जितना कॉपी करें आप एक फ्रेंड से 10 फ्रेंड्स को म्यूज़िक ट्रांसफ़र हो जाता है। सिमिलरली मूवीज़ का भी यही सीन है। और काउंटरफीट म्यूज़िक जो है इट इज़ बिलीव दैट इट आउटसेल्स लेजिटिमेट म्यूज़िक इन 20 कंट्रीज़। इसकी सेल्स 20 कंट्रीज़ में काउंटरफीट म्यूज़िक की ओरिजिनल म्यूज़िक से ज़्यादा है, लाइक कंट्रीज़ में हांगकांग, मलेशिया, यूक्रेन, इज़राइल, एस्टोनिया और लेटविया, ये सारे इंक्लूडेड हैं। यूक्रेन हैज़ एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ म्यूज़िक काउंटरफीट कैपिटल ऑफ यूरोप। सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक काउंटरफीट किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो पायरेसी है म्यूज़िक की से रिलेटेड वो लिथुएनिया में है जो कि यूरोप का एक पार्ट है। लेजिस्लेशन वहाँ पे जो लॉज हैं इतने सोफिस्टिकेट नहीं है, इन एडुकेट लॉज हैं वहाँ पे, एंड यूक्रेनियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज भी कम हैं और कैपेबिलिटीज़ भी कम हैं कि वो किसी तरीके से इन्फोर्स करें इन लॉज को जो कि बने हुए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्म्स वो भी सफ़र कर रही हैं, वो भी लड़ रही हैं कि किसी तरीके से उनके जो काउंटरफीट सॉफ्टवेयर्स हैं उसको रिड्यूस किया जाए और उनके जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स की सेल्स इंक्रीज होए। सर्वे किए गए, सर्वे इंडिकेट करते हैं कि 40% ऑफ ऑल न्यू बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर पायरेटेड। ज़्यादातर 40% या इससे भी ज़्यादा जो बिजनेस सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं ये पायरेटेड होते हैं। आप खुद सोचिए कि आप में से कितने लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी ओरिजिनल परचेज की। यूजली आप टोरेंट से ही डाउनलोड कर लेते हैं न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन काउंटरफीटिंग ट्रेड ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स फ्लरिशेज इन कंट्रीज वेयर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ सच ट्रेडमार्क इज वीक, खास तौर पर जैसे कि कंट्रीज हैं पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, रशिया, यहाँ पे बहुत कम है। वियतनाम में अगर आप देखें द नेचर ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज ओपन टू इंटरप्रटेशन, इन्फोर्समेंट उसकी जो है लॉज की वीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ फ्यू रिसोर्सेज टू इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग लॉज इफेक्टिवली और कंट्रोल द बॉर्डर्स, इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। थाईलैंड में देखें तो आपको ये सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। कुछ
International consumer goods companies, they are doing business in Vietnam. They are claiming that their sales are reduced by as much as 50% by ready availability of illegal and cheaper products. अब वहाँ पे ये जो international बहुत सारी companies हैं वो business करने से पहले ये सोचेंगी कि वहाँ पे कितना इजी उनका काउंटरफिट वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट ऑलवेज एक्सपेंसिव होती है ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी, ड्यू टू इट्स हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ड्यू टू इट्स R&D कॉस्ट. अब इन जेन्युइन प्रोडक्ट जो है काउंटरफिट्स हैं वो लो क्वालिटी होते हैं, तो ऑलवेज लीस्ट लेस एक्सपेंसिव होते हैं. अब ई बिजनेस की जो इमरजेंस हुई है इससे काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की मार्केट को और बूस्ट मिला है और उसमें इंक्रीमेंट हुआ है. ऑनलाइन आप काउंटरफिट की सेलिंग, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की सेलिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्रोडक्ट्स लाइक वॉचेज हैं, प्रोडक्ट्स लाइक बैग्स हैं, शूज़ हैं और सॉफ्टवेयर्स, CDs एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको बहुत सस्ती आपको मिल सकती हैं किसी भी ऑनलाइन सेलर से अगर आप बाय करना चाहें. इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो अब ऑफेंसिव हो गई हैं इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव. अब वो कोशिश करती हैं कि वो उनकी ऑनलाइन जो काउंटरफीट्स हैं वो सेल ना की जाएं. सिमिलरली इंटरनेशनल फर्म्स इंक्रीजिंगली वो मेथड्स ऐसे बना रही हैं, ऐसे डिवाइस कर रही हैं टू स्टॉप इलीगल काउंटरफिटिंग. मैनी कंपनीज हैं उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए हैं हु नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम, जिन्हें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना कैसे की जाती है काउंटरफिट्स की एंड कहाँ पे की जाती है, कैसे उसको कंट्रोल करना है. अब ये कंपनीज जो हैं रेगुलर जो है प्रोडक्ट्स की सेल्स की अपनी बूस्ट करने के लिए काउंटरफिट्स को मजबूर करती हैं कि वो अबैंडन करें, बट उन कंट्रीज में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जहां पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं. पैकेजिंग एंड लेबलिंग एडाप्टेशंस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लें. पैकेजिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट होता है, यूजली ये कंटेन करता है प्रोडक्ट को. पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारी थिंग्स मैंडेटरी होती हैं लाइक ब्रांड नेम, इंग्रीडियंट्स, कितना साइज है पैकेज का, कितने उसके अंदर वेट है उसके मटेरियल का जो अंदर है, एड्रेस ऑफ द कॉरपोरेट फर्म वो भी बहुत ज़रूरी है, इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किस एड्रेस पे कॉन्टेक्ट करेंगे वो भी ज़रूरी है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी थिंग्स ये आपको पैकेजिंग पे मेंशन करनी होती है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मार्केटियर इज़ दैट कि पैकेजिंग एक्ट एज अ टूल टू कम्युनिकेट योर प्रोपोजिशन टू द कस्टमर. ये कंपनी का 5 सेकंड का या 12 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होता है जो इन स्टोर होता है. आपकी कंपनी का पैकेजिंग जब शेल्फ पे होता है तो ये शेल्फ में एडवर्टाइज भी कर रहा होता है, ये बिलबोर्ड इफेक्ट भी क्रिएट करता है. सो पैकेजिंग आपका कैसा होना चाहिए, या तो पैकेजिंग आप फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसमें ज़्यादातर आपकी पैकेजिंग हो सकती है जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स की हैं, या आपका पैकेजिंग बहुत इमोशनल, बहुत हेडोनिक नीड को सेटिस्फाई करने वाला हो सकता है. बट रिमेंबर कि कलरफुल पैकेजिंग होनी चाहिए, उसका कलर, ब्रांड कलर आपका उस पैकेजिंग के कलर से मैच करना चाहिए, आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम उस पैकेजिंग पे मेंशन होना चाहिए. अब डिफरेंसेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड स्पेशल अडेप्टेशन इन प्रोडक्ट पैकेजिंग. कंट्री टू कंट्री डिफरेंट जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का सिनेरियो है वहाँ पे ये रिक्वायर करता है कि आपको आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग एक कंट्री में जो है वो दूसरे कंट्री से डिफरेंट हो. अब क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि वो आपको मजबूर करती हैं कि आप शेल्फ पे अपने प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए पैकेजिंग में चेंजिंग्स लेकर आएँ. समटाइम UK में आप देखें तो जो मिल्क सेल किया जाता है वो कॉटन में नहीं सेल किया जाता है, वो बॉटल्स में सेल किया जाता है. और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप टेट्रा पैक के अंदर मिल्क सेल कर रहे होते हैं. सो पैकेजिंग वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री. रोल ऑफ अ पैकेज अज्यूम्स इन प्रमोशन आल्सो डिपेंड्स इन द मार्केट रिटेलिंग स्ट्रक्चर. इन कंट्रीज विद अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ सेल्फ सर्विस मर्चेंडाइजिंग फर्म्स शुड चूज अ पैकेज विद स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल अपील ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. जहाँ पे पाकिस्तान में तो सेल्फ मर्चेंडाइजिंग कम है लेकिन बड़े स्टोर्स में आप खुद जाके
कार्ट के अंदर, शॉपिंग कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब इस तरह के कंट्रीज में हैं जहाँ पे आप सेल्फ मर्चेंडाइजिंग है, सेल्फ सर्विस आपकी वहाँ पे रिटेलिंग है, वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका पैकेज ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन टूल साबित हो, वो कस्टमर के साथ आप कस्टमर की सेंसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसकी स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल अपील के साथ हो। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन वर्ल्ड अवर, ये कंट्री टू कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हैं, जो कि हाई वेव कंट्रीज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे प्रोडक्ट्स टेंड टू बी पैकेज इन सच अ वे एज टू रिड्यूस फर्दर हैंडलिंग बाय रिटेल एम्प्लॉयज़। वहाँ पे ऐसा होता है कि अच्छी पैकेजिंग होती है, प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है और बड़े पैक होते हैं, जो आप फैमिली पैक टाइप वो उस तरह के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीपल की बाइंग पर पावर ज़्यादा होती है। फॉर कंज्यूमर गुड्स ऑल मास मर्चेंडाइजर हैव टू डू इज प्लेसिंग स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ, प्लेसिंग प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ। बस आपके पास पैकेजिंग आएगी, आपने उठा के उसको शेल्फ पे रख देना है बड़े जो स्टोर्स में। अब कंट्रीज जो के जहाँ पे लो वेज है, लेस इलाबरेट रिटेलिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सस्ती प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, वहाँ पे वो देखते हैं आपके ज़्यादा लोगों की वेजेस नहीं है, वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ जो के हैं जो ऑर्डर होते हैं वो फिल किए जाते हैं कंज्यूमर के फ्रॉम लार्जर पैकेज गुड यूनिट्स, आ प्रोसेस दैट इंटेल्स एक्स्ट्रा लेबर ऑन द पार्ट ऑफ रिटेलर। बड़े पैकेज नहीं यूज़ करते कंज्यूमर, वो छोटे पैकेज लेकर जाते हैं। अगर आप देखें तो दूध का एक कार्टन के अंदर 25 छोटे पैकेट्स होते हैं दूध के, इंस्टेड ऑफ बाइंग होल बड़ा कार्टन ऑफ मिल्क कंज्यूमर्स यूजली छोटे पैक्स बाय करते हैं। अब रिटेलर्स को क्या करना होता है, वो बड़ा पैक उनके पास आएगा, उसमें से छोटे दूध उन्होंने पैकेट्स निकाल के लो वेज कंट्री में वो शेल्फ पे प्लेस करते हैं, लेकिन हाई वेज कंट्री में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक पैकेजिंग डिसीजंस जो के हैं ज़्यादातर वो अफेक्ट करते हैं पैक जो साइज, शेप, मटेरियल, कलर एंड टेक्स्ट को जो पैकेज में वो यूज़ करते हैं। साइज जो है इट मे डिफर बाय कस्टम और इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड सच एज मैट्रिक या नॉन मैट्रिक रिक्वायरमेंट्स। अब वहाँ पे साइज जो आप प्रोडक्ट का मेंशन करते हैं वो डिफरेंट होगा कंट्री टू कंट्री। यूके में स्टोन्स में मेयर किया जाता है, पाकिस्तान में केजीज में मेयर किया जाता है, या किसी और कंट्री में पाउंड्स में मेयर किया जाता है। सो ये वेरी करता है। हायर जो इनकम कंट्रीज हैं दे टेंड टू रिक्वायर लार्जर यूनिट साइज, वो बड़े साइज की प्रोडक्ट्स बाय करते हैं लोग वहाँ पे। सब वहाँ पे आपको पैकेजिंग बड़े होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन जो उनकी शॉप्स हैं लेस फ्रिक्वेंटली, दीज पॉपुलेशन शॉप लेस फ्रिक्वेंटली एंड कैन अफोर्ड टू बाई लार्जर क्वान्टिटीज ईच टाइम। ये ऐसा नहीं है कि डेली जाके बाई करते हैं प्रोडक्ट्स, ये ज़्यादा बाई करेंगे और फ्रिक्वेंटली ये नहीं जाते शॉपिंग करने के लिए फॉर ग्रोसरीज। एक ही बार पूरी गाड़ी भर के ये ले आएंगे अपने घर में और बड़े पैकेज, बड़े साइज में इनके पैकेजिंग में ये बाय करते हैं। अब वो कंट्रीज जहाँ पे इनकम लोअर है, इनकम थोड़ी है, कंज्यूमर बाय करता है स्मॉलर क्वांटिटीज एंड मोर ऑफन छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करता है और मे बी के डेली 2 दिन बाद वो जाके बाय करेगा। अब जिलेट सेल्स रेजर ब्लेड्स इन पैकेजेस ऑफ 5 और 10 इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। एक पैकेज में 5-10 उसके ब्लेड्स होंगे यूरोप में और यूएसए में, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स जैसे पाकिस्तान में वो आप वहाँ पे आप जाके देखें तो सिंगल आप रेजर बाय करके लाते हैं। सो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको बड़े पैकेजेस, बड़े आपको प्रोडक्ट असॉर्टमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इमर्जिंग कंट्रीज़ में लॉन्च करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको समटाइम्स ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी जो कि एक एक यूनिट कंज्यूम की जा सके और सेल की जा सके। द पैकेज कलर एंड जो टेक्स्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पैकेज का, और ये आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। ये सब्जेक्ट टू टेलरिंग होता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, बिकॉज
कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री मीनिंग ऑफ कलर्स एंड शेप्स वेरी करता है. अब प्रमोशनल इफेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड इट हैज़ लेड सम कंपनीज टू अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज देयर पैकेजिंग इन कलर एंड लेआउट. कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर अपने लिए बाय करता है, वहाँ पे प्रमोशनल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ की जो ब्रांड्स हैं वो अपने पैकेजेस को स्टैंडर्डाइज करने की तरफ कोशिश करें. इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, जहाँ पे कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता है अदर कंट्रीज में, स्टैंडर्डाइज्ड कलर्स हेल्प देम आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट क्विकली. वहाँ पे ये है कि क्योंकि ये लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, तो स्टैंडर्डाइज्ड अगर आप रखेंगे उन कंट्रीज़ में जो कि रीजन में क्लोजली क्लोज हैं और नेबर्स हैं, तो वहाँ पे ये है कि ये जैसा पैकेज अपने कंट्री में देखते हैं वैसा ही पैकेज ये बाहर देखेंगे, अपने नेबर कंट्री में देखेंगे, तो इन्हें आइडेंटिफिकेशन में और पिक बाइंग में कोई प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी. दिस जो स्ट्रैटेजी है इट डिपेंड्स ऑन डिवाइजिंग अ सेट ऑफ कलर्स और लेआउट विद एन अपील बियॉन्ड वन सिंगल कलर और कल्चर और मार्केट. एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं. एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ स्टैंडर्डाइज्ड पैकेज कलर इज प्रॉक्टर गैम्बल्स लीडिंग डिटर्जेंट टाइड. अगर आप टाइड की देखें पैकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी ऑरेंज कलर या येलोश काइंड ऑफ कलर की है ऑरेंज, और इस बॉक्स इसका बहुत फेमिलियर है दुनिया में, यूएस में, सऊदी अरेबिया में, यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक कलर यूज़ कर रहे हैं. अब कल्चरल इम्प्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं. कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है कि इट कैन समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज. लाइक एक एक्सपोर्टर जो था सॉफ्टवेयर का, जो एक्सपोर्ट कर रहा था सॉफ्टवेयर सऊदी अरेबिया में, उसने आइडेंटिफाइड किया कि उसके जो सीडी रूम्स हैं फॉर सऊदी मार्केट बाई पुटिंग द सऊदी फ्लैग ऑन द बॉक्स फ्लैग्स बियर्स द वर्ल्ड अल्लाह द अरेबिक वर्ल्ड जो कि गॉड के लिए है. फॉर मैनी जो कि स्ट्रॉन्ग मुस्लिम थे, डिवोट मुस्लिम्स थे, टू डिस्कार्ड द बॉक्स वुड इम्प्लाई डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड. वो फेंक नहीं सकते थे सी डी का बॉक्स, बिकॉज अगर वो फेंकते हैं इसका मतलब है कि वो अल्लाह वर्ल्ड की बेहरमती कर रहे थे. इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था ही वॉज लेफ्ट विद लॉट्स ऑफ बॉक्सिस दैट बोथ कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज डिक्लाइन टू थ्रो अवे. अब उसके पास वो वापस आ जाते थे, उसको ये बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि पीपल क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वो बॉक्स को डिस्पोज कर रहे हैं द राइट वे. सो उसको या तो लोगों ने बाय करना भी छोड़ दिया उस ब्रांड को ड्यू टू द फैक्ट कि उसके ऊपर सऊदी अरेबिया का झंडा बना होता था जिसके ऊपर कलमा तैयबा वगैरह लिखा होता है. एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो इसका पैकेजिंग से रिलेटेड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का है. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का ये है कि बहुत सारी कंट्रीज कंपनीज को फोर्स कर रही हैं कि वो इनअप्रोप्रिएट पैकेजिंग ना यूज़ करें, वो ऐसा पैकेजिंग ना यूज़ करें जो कि इट्स थ्रेटनिंग टू इन्वायरमेंट, इसकी इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, रिसाइकलेबल नहीं है. तो कंपनीज अब वो पैकेजिंग डेवलप करने की तरफ ज़्यादा फोकस हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और रिस्पोंड कर रहे हैं टू कंज्यूमर कंसर्न्स. बहुत सारी कंपनीज यूके में, खासतौर पर यूके का रिटेलर जो सेंसबरी है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है एवरी प्रोडक्ट इट सेल्स टू इंश्योर ईच यूज़ ओनली द मिनिमल पैकेजिंग नेसेसरी. कोशिश कर रहे हैं कि कम अज़ कम पैकेजिंग मटीरियल यूज़ किया जाए, कम अज़ कम पैकेजिंग यूज़ की जाए, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट या उनकी जो कंपनी की पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी वो फॉलो की जाए. लेबलिंग एक और बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनल मार्केटियर्स के लिए. लेबल क्या होता है, आप देखें प्रोडक्ट के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो लेबल होता है. फॉर एग्जांपल ये वाटर की बोतल है, तो वाटर की बोतल के ऊपर ये जो लगा हुआ है एक इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जिसमें उसके ड्रिंक हेल्थी, लिव हेल्थी और कंपनी का ब्रांड नेम भी मेंशन है, और ये ऊपर से उतर भी सकता है, ये लेबल है. अगर समटाइम्स पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वो उसकी पैकेजिंग एक्ट कर रही होती है लेबलिंग, खासतौर पर अगर आप देखें मेडिसिन के बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स पूरा इट सेल्फ पैकेजिंग भी है और लेबलिंग भी है, लेकिन इस बोतल पे इसकी बोतल कंटेनर है और ये लेबल है, ये जो इसके ऊपर पेपर से लगा हुआ है इसको हम लेबल कहते हैं. सो लेबलिंग बहुत बड़ा एक कंसर्न है इंटरनेशनल मार्केटर्स के लिए. लेबलिंग क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ, बट इट हेल्प्स
consumers understand better the products that they are buying and can convey them instructions for the use of that product. It must be in the language of consumer, and it must tell them directions to use the product, ingredients of the product and other things. गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पैकेजिंग पे अब बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हैं कंपनीज़ को, या ख़ासतौर पर पैकेज फूड्स की कंपनीज़ को जो कि फूड सेल करती हैं पैकेजिंग में. दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट या रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट लेबलिंग के वाले से, उसकी पैकेजिंग मटेरियल के वाले से. बट मैनी अदर प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर अफेक्टेड एज वेल. बहुत पैकेज फूड के अलावा बहुत सारी और प्रोडक्ट कैटेगरीज भी पैकेजिंग के वाले से अफेक्ट हो रही है. चाइना इज़ होम टू 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स कैशमेयर गोड्स. जो कैशमेयर मटेरियल है वो गोट से, जो उसके स्किन वगैरह से बनता है, चाइना में 2/3 ऑफ दोज गोट्स हैं. एंड व्हेन द कंट्री बिगन एक्सपोर्टिंग कैशमेयर, जो स्वेटर्स वगैरह बनती हैं, गारमेंट्स वगैरह जो बनती हैं, मैनी जो मैन्युफैक्चरर्स थे एग्जैजरेटेड द अमाउंट ऑफ कैशमेयर इन द प्रोडक्ट्स. उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने कहा कि बहुत ज़्यादा इसमें कैशमेयर है. अब दिस ब्रॉट देम इनटू कोलिजन विद यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे 60-year-old वूल प्रोडक्ट्स लेबलिंग एक्ट था, विच रिक्वायर्स दैट फैब्रिक्स एंड गारमेंट मेड आउट ऑफ वूल एंड अदर फाइन एनिमल हेयर्स बी एक्यूरेटली लेबल्ड टू रिफ्लेक्ट देयर ट्रू कॉन्टेंट. उसमें आप सेल करेंगे तो जितना एक्चुअली कॉन्टेंट है वूल का, कैशमेयर का, वो आपको बताना होगा इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेटिंग. सो गवर्नमेंट के लॉ ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया. अब फेडरल ट्रेड कमीशन कैन सीक पेनल्टीज इन फेडरल कोर्ट एज हाई एज $11,000 फॉर ईच वायलेशन. सो ये अगर वायलेशन बहुत सारी उन्होंने फाइंड की और उन्होंने कोशिश किया कि इनको सू भी किया जाए मैन्युफैक्चरर्स को, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो कि कैशमेयर की स्वेटर्स और कोट्स वगैरह सेल कर रहे थे. सो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना, एंड यू हैव टू सी कितना आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द लोकल लॉस. लैंग्वेज के भी इशू हैं कि वाइल पैकेजिंग में आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे. लैंग्वेज लोकल होनी चाहिए, अगर आप यूज़ कर सकें तो इट इज़ बेटर कि पाकिस्तान में आप दो लैंग्वेजेस यूज़ करें, उर्दू यूज़ करें एंड इंग्लिश यूज़ करें. बट उर्दू तो मस्ट है, ताकि एवरीबॉडी शुड बी एबल टू रीड वट इज़ रिटन ऑन द पैकेज. मार्केटिंग सर्विसेज ग्लोबली. सर्विस क्या होता है? सर्विस की बहुत सारी, ये प्रोडक्ट की ही टाइप होती है, प्रोडक्ट होती है बट इट इज़ इनटेंजिबल. ये टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती है, जिसे टच नहीं किया जा सकता. देन एक और इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती है, पेरिशेबल होती है. आप सर्विस यूज़ करके जब आप सर्विस कंज्यूम करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है. ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि एक सेल फोन है, आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पेरिशेबल होती है. देन इसकी इनटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी. देन एक और इसमें जो फैक्टर है, इट्स वेरिएबिलिटी. अब सर्विसेज वेरिएबल होती हैं. आज आपने जो सर्विस परचेज़ की एक बार्बर से, मे बी नेक्स्ट टाइम वैसी आपको सर्विस वो ना दे. अब जैसा एक्सपीरियंस आज आपको होटल में, हॉलीडे इन में आपको मिला, मे बी नेक्स्ट विजिट पे वैसा आपको एक्सपीरियंस ना मिले. सो वेरिएबल होती है, पेरिशेबल होती है, और इसके साथ इनटेंजिबल होती है. सो सर्विसेज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स. अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस सर्विसेज को. सर्विसेज एम्ड एट बिजनेस बायर दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड आर दोज दैट हैव ऑलरेडी मेट विद सक्सेस डोमेस्टिकली. जो डोमेस्टिकली आपने सक्सेसफुल सर्विसेज थी, वही बिजनेस बायर्स को आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ US बेस्ड सर्विस कंपनीज कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल. मिसाल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ द सर्विसेज दैट हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुली मार्केटेड अब्रॉड आर फाइनेंशियल सर्विसेज. खासतौर पर आप बैंक्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की एग्जाम्पल देख सकते हैं. कमर्शियल बैंक में आप, जैसे कि सिटी बैंक है, पाकिस्तान में भी एग्जिट करता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज में इसकी ब्रांचेज हैं, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज हैं. ये आप देखें तो एक्सपोर्ट किया गया फ्रॉम US. बहुत सारी रिसर्च कंपनीज जो कि US की, गैलप, AC नेल्सन, ये भी दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रही हैं. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पाकिस्तान में भी USA की काम कर रही हैं. इसकी अकाउंटिंग एजेंसीज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में काम कर रही हैं. देन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड को हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर अब्रॉड
टर्न्स आउट टू बी मोर डिफिकल्ट देन सेलिंग टू बिजनेसेस. अब कंज्यूमर को सेल करना सर्विसेज थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कंज्यूमर के लिए सर्विसेज जो होंगी वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हो सकती. उनके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर के कल्चर के अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी. बी टू बी सर्विसेज यूजली मैकेनाइज्ड किस्म की सर्विसेज होती हैं, वो बिजनेस सर्विसेज आप स्टैंडर्डाइज्ड रख सकते हैं. अब बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूजेज पैटर्न जो के हैं वो डिफरेंट होते हैं कंट्री टू कंट्री, सो यूजेज पैटर्न जो के इंडस्ट्री के होते हैं वो सेम होते हैं. कार इंडस्ट्री जो अमेरिका की और कार इंडस्ट्री पाकिस्तान की, वहाँ पे यूजेज पैटर्न सेम होंगे, बट कंज्यूमर के यूजेज पैटर्न कंट्री टू कंट्री वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. सो बहुत सारी सर्विसेज को लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है. स्टिल अपॉर्चुनिटीज अबाउंड इवन इन सीमिंगली डिफिकल्ट मार्केट्स. अभी भी यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि डिफरेंट भी है लेकिन तब भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं. खासतौर पे देखें, इंश्योरेंस कंपनीज ने सक्सेस अचीव किया बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज में, लाइक चाइना में AIG ग्रुप जो अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप है उसने बहुत ज़्यादा पहले आठ मंथ में लॉन्चिंग के ऑलमोस्ट 12,000 उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की थी. इसमें कल्चर को बहुत ज़्यादा आप जो कि सर्विस एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, आप कल्चर एंड सर्विस एक्सपीरियंस को स्टडी करना बहुत मस्ट है, क्योंकि कल्चर अफेक्ट करता है नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस को, इंक्लूडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, वेटिंग एक्सपीरियंसेस एंड रिक्रूटमेंट एंड बिहेवियर ऑफ सर्विस पर्सनल. कस्टमर एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि कस्टमर्स में एग्जिबिट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग सर्विस लेवल्स. कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन जो वो सर्विस की क्वालिटी के लेवल के से रिलेटेड डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. अब डिपार्टमेंट स्टोर जो जापान में है आज भी एम्प्लॉय करते हैं वुमेन को इन जो कीमोनोज जो, और वो डिमांड करते हैं देम टू बो एंड ग्रीट एज दे अराइव एट स्टोर, जो उनकी ट्रेडिशन है ग्रीटिंग की. अब कंज्यूमर्स जो के यूनाइटेड स्टेट्स में बाय करते हैं वो इस लेवल की फेवर नहीं मांगते अपने जो सेलर्स हैं उनसे. व्हाट दे डिमांड इज लो प्राइस एंड दे आर मोर अकस्टम टू सेल्फ सर्विस एंड मे इवन फील नर्वस इन द प्रेजेंस ऑफ हूवरिंग सेल्स पीपल. अगर आप कंज्यूम बाय कर रहे हैं और आपके सर पे सेल्समैन खड़े हैं तो USA में ये थोड़ी सी इसको अच्छा नहीं फील किया जाएगा, बट इन जापान इट इज़ कंसिडर्ड गुड बिकॉज वो हॉस्पिटलिटी शो कर रहा है और अच्छा सर्विस शो कर रहा है. सो कंज्यूमर कंट्री टू कंट्रीज इनकी एक्सपेक्टेशंस वेरी करती है. कंज्यूमर जो स्विट्जरलैंड में दे कुड बी डिलाइटेड व्हेन देयर लोकल ग्रोसर चूज द बेस्ट प्रोड्यूस फॉर देम. अगर लोकल जो उनका ग्रोसरी स्टोर का स्टाफ है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के रखे तो वो खुश होंगे. एज रेगुलर कंज्यूमर फ्रॉम नेबरहुड दे डिजर्व द बेस्ट. ये साइकी होती है उनकी कि हम करीब के लोग हैं और हम रेगुलर परचेज करते हैं तो हमें बेस्ट दिया जाए. अब ये दिस वुड सीम डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनफेयर टू अमेरिकन कस्टमर. अब अगर ये अमेरिकन कस्टमर के साथ हो इंस्टेड ऑफ स्विट्जरलैंड के कस्टमर के तो वो समझेगा कि यार ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. अगर ही इज रिजाइडिंग इन स्विट्जरलैंड दे वुड प्रेफर टू ड्राइव to a hypermarket where produce is pre-packed and the service encounter can be avoided altogether. So इनकी कोशिश होगी Americans की कि वो बड़े स्टोर पर जाएँ जहाँ पर आप सेल्फ सर्विस है, आप खुद जा के प्रोडक्ट्स उठाते हैं और ट्रॉली में रख के ला के आप जो टिल्ट है वहाँ पर आप उसकी पेमेंट करके अपने घर प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं. बहुत सारे कल्चर में सर्विस जो है वेरी करती है बाई कस्टमर ग्रुप मेंबरशिप के, जहाँ पे इन ग्रुप्स जो के ना लोग बेटर सर्विस को एंजॉय करते हैं इंस्टेंट देन आउट ग्रुप्स के. आयरोनिकली इवन इन द हाईली इंडिविजुअलिस्टिक यूनाइटेड स्टेट्स न्यू टेक्नोलॉजी मे बी अलोइंग फर्म्स इन वेरी देयर सर्विस अमंग ग्रुप्स एटलीस्ट बिटवीन गुड कंज्यूमर्स एंड बैड कंज्यूमर्स. व्हेन कंज्यूमर कॉल अ क्रेडिट कार्ड कंपनी विद अ प्रॉब्लम दे आर ऑफन आस्क्ड टू प्रोवाइड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ्स सच एज देयर क्रेडिट कार्ड नंबर. अब इसका क्या होता है कि दिस इमीडिएटली अलर्ट्स द कंपनी एज द कॉलर्स कस्टमर क्वालिटी. अब कॉलर्स हुज अकाउंट्स आर वैल्यूएबल एंड हु आर नेवर इन जो कि एरियर्स के नहीं होते या बकाया जात के, दे कैन बी क्विकली चैनल टू वेरी सिंपथेटिक सर्विस पर्सन. अब जो कॉलर्स जो है के हैं हुज अकाउंट्स आर ऑफन ओवरड्यू दे मे हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब उनकी चैनल की जाएगी किसी सर्विस जो कॉलर है सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं
वो इतना अच्छा स्पीकिंग वाला मे भी नहीं होगा। अब वेटिंग एक्सपीरियंस वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। टाइम इज ऑलवेज एन एस्पेक्ट ऑफ सर्विस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द टाइम इज टेकन, जो टाइम टेकन टू सर्व द कस्टमर वो कल्चर टू कल्चर उसके तरफ एटीट्यूड वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल वेटिंग वेटर्स इन यूरोपियन रेस्टोरेंट्स टेक केयर नॉट टू हरी patrons, eating a meal is supposed to be an enjoyable experience most often shared with friends. Europe में बैठ के खाना और दोस्तों के साथ मिल के खाना उसको like किया जाता है। अब वहाँ पर servers also wait to be asked to deliver the bill for the meal. ऐसा नहीं होता कि bill लेकर वो table पर पहुँच जाते हैं, they wait. Diners may wish to sit for hours, but Americans would wonder what had happened to their waiter agar wo bill na lekar aaye. Americans expect fast service at restaurant and like the bill to be dropped promptly on table. ab time ki waiting experience people ka wo vary kar, American chahte hain jaldi jaldi khana kha ke nikla jaye, jabki European they want to sit. so you have to see the cultural differences and provide the service accordingly. service personnel they have to they have to adapt to the cultural differences of the country and provide the service experience which is expected by the people. when a local manager of US based hotel chain jo hai, he was preparing to open a new hotel in Egypt, he was faced with very different problems, dilemmas usne face kiye. American tourists would expect waitresses who could take their order in English. ab Egyptian women who spoke English almost invariably came from अपर क्लासेस, वहाँ पे सिर्फ अपर क्लास की खातून इंग्लिश बोल सकती है या बोलती है। आम जो वेट्रेस होती हैं वो लोअर क्लास की खवातीन वो बोल नहीं सकती थी। सो बहुत सारी जो के प्रॉब्लम्स हुई वो एक तो लैंग्वेज की वजह से उसे प्रॉब्लम्स फेस हुई। नो यंग लेडी फ्रॉम दोज क्लासेस जो थी वो जो इंग्लिश स्पीकिंग थी वो काम करेगी। इन पैनिक मैनेजर कॉल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फाइनली बोरोड इनफ सिस्टर्स डॉटर्स एंड नीसेस टू स्टाफ द रेस्टोरेंट इन टाइम फॉर opening days. within a week one waitress met and married a Saudi multimillionaire who came to eat at restaurant. ab ye bhi wahan pe hua ke ek kuch dino mein jo ke usne apne staff english wali america se bulayi kisi multimillionaire ke sath shaadi karke wo bhi nikal gayi. so bahut sari usko problems dekhne mein aayi. whether or not the story spread like wildfire and manager never again had trouble recruiting waitresses. एकदम ये जो स्टोरी है फैल गई और तब बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाली वेट्रेसेस वहाँ पे आ गई कि यहाँ पे आएंगी तो मल्टी मिलियनेयर सऊदी शहजादे यहाँ पे खाना खाने आते हैं तो हो सकता है हमारी भी शादी हो जाए। सो बट सर्विस पर्सनल यू हैव टू सी कि वो उन्हें प्रॉपर लैंग्वेज आती है और दे शुड नो कि कल्चर में कैसे उस कल्चर के अकॉर्डिंगली सर्विस को प्रोवाइड करना है। ग्लोबल वारंटीज़ की थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें कि buyers around the world purchase products with certain performance expectation and consider company policies for backing promise. वो ऐसा नहीं होता कि buy कर लेंगे without any expectations. उनकी expectations ये होती हैं कि high quality product होगी और work करेगी और long lasting होगी. अगर नहीं long lasting होती तो they may ask the seller to deal with the defective products. अब companies interested in doing business abroad frequently find themselves at a disadvantage relative to local competitors in area of warranties and services because local competitors को it is easy for them to arrange service area, service के staff को recruit करना सारा करना easy है. and foreign companies जो आती हैं ये network उनके लिए establish करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. product warranties इसमें बहुत important है कि a company must address its warranty policy for international markets either by declaring its domestic warranty valid worldwide or by tailoring warranties to specific countries or markets. या तो वो ये जो domestically warranties वो offer करती है वही worldwide offer करें या फिर उसको tailor करें from country to country. warranty और guarantee में फ़र्क यहाँ पे एक बताता चलूँ. warranties होती हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट डिफेक्टेड प्रोडक्ट को या तो रिप्लेस करेंगे विद गुड वर्किंग प्रोडक्ट या उसको रिपेयर करके आप देंगे और गारंटी में आप कैश वापस करते हैं जो कि उन्होंने पे किया होता है आपके कस्टमर्स ने आपकी प्रोडक्ट बाय करते हुए. यहाँ पे आपको एक ही है कि स्टैंडर्डाइजेशन या अडेप्टेशन कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वारंटी भी दे सकते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है और अडेप्टेशन कंट्री टू कंट्री उसमें वेरिएशन भी ला सकते हैं.
ये क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वारंटीज वैलिड हो सकती है वर्ल्ड वाइड, इसका कंपनीज को देखना है कि वेदर दे कैन यूज़ द डोमेस्टिक वारंटी टू प्रिप और किसी और कंट्री में आपकी प्रोडक्ट उसको सर्विस करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि इज़ इट इम्पोर्टेंट टू टेलरिंग वारंटीज टू कंट्रीज़ या मार्केट्स, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, येस इट इज़। आप कोशिश करें कि आप टेलर करें कंट्री टू कंट्री वारंटीज, बट यूजली ऐसा ही यूज़ कंडीशंस को देखते हुए आप इसको करें। जो इश्यूज आपको कंसिडर करने हैं वो ये है कि एक्चुअल प्रोडक्ट यूज़ क्या प्रोडक्ट वो यूज़ की गई या कैसे यूज़ की गई है, देन लोकल कंपटीशन को देखें एंड स्पिल ओवर इफेक्ट्स टू अदर मार्केट्स देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमको क्या इसका, जहाँ पे हमारी जो वारंटीज़ की स्ट्रेटजीज हैं, वारंटीज़ की हमारी पॉलिसीज़ हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा किसी और कंट्री में। ग्लोबल प्रोडक्ट सर्विसेज, फॉर सम प्रोडक्ट्स नो वारंटी विल बी बिलीवेबल अनलेस बैक्ड विद एन इफेक्टिव सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप जितनी मर्जी वारंटीज देते रहें, पीपल विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट्स। अगरचे सर्विस इज इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर, इट इज़ इवन मोर क्रूशल टू इंडस्ट्रियल बायर, बिकॉज एनी ब्रेकडाउन ऑफ द इक्विपमेंट और प्रोडक्ट इज एप टू कॉज सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉस। इंडस्ट्रियल बायर बड़ी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस के, वहाँ पे उसके आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके उसको लॉस को मिनिमाइज करें। दिस रिस्क जो कि इकोनॉमिक लॉस का हैज़ लेड इंडस्ट्रियल बायर्स टू बी कंजर्वेटिव इन देयर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑलवेज केयरफुली एनालाइजिंग द सप्लायर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस इन द इवेंट ऑफ नीड। अब ये उनके लॉस की वजह से, उसके बड़े लॉस की वजह से अब वो बहुत कॉशियस हो चुके हैं और हाई सर्विस प्रोवाइडर को ही वो सिलेक्ट करते हैं। अब टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सर्विस आउटसाइड कंपनी की जो होम बेस है वहाँ पे स्पेशल प्रॉब्लम्स ग्लोबल मार्केटर्स वहाँ पे पोज हुई हैं, जो कंपनीज होम बेस वो पोज करती है स्पेशल प्रॉब्लम्स टू ग्लोबल मार्केटियर्स। फॉर एग्जांपल द सिलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द सर्विस इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आइडली कंपनी जो है पर्सनल उसके आर प्रेफरेबल बिकॉज दे टेंड टू बी बेटर ट्रेंड इंस्टेड ऑफ अनदर कंपनी जो कि उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी रिपेयरिंग और वारंटी वगैरह के लिए। सो क्वेश्चन हेयर इज वाई डू कंपनीज प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर देयर प्रोडक्ट्स, क्यों प्रोवाइड करती हैं? इसका आंसर इज टू वारंटी क्रेडिबिलिटी, ताकि अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करें, अपनी वारंटी की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करें, ट्रस्ट इंक्रीज़ करें, डिफरेंशिएट करें अपने आप को फ्रॉम कंपटीशन के, एंड डिक्रीज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू प्रोडक्ट मालफंक्शन और डाउन टाइम। लोगों के इकोनॉमिक लॉस को, जो खासतौर पर इंडस्ट्रियल बायर्स हैं उनके इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करें। गारंटी ऑफ रिलायबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके आपके प्रोडक्ट्स बाय करके खुश हों, ये ना हो कि वो रिग्रेट करें। मैनेजिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन आपको पता है सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी में, अब ग्लोबली आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके आप ऊपर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखें व्हाट यू नीड टू डू। इन मोस्ट कंपनीज जो हैं मैन्युफैक्चरर वगैरह जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं मल्टीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं सेवरल प्रोडक्ट्स लाए सेल करते हैं। लाइक P&G का देखें आप, वो टूथब्रश से लेकर एडिबल्स तक, सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। अब उनकी डिफरेंट लाइन्स हैं जी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो मोर देन 200,000 आइटम, 2 लाख से ज़्यादा आइटम वो सेल करें। सो मार्केटिंग ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए दीज कंपनीज ग्रुप कर देती हैं दीज आइटम्स इनटू प्रोडक्ट ग्रुप्स कंसिस्टेड ऑफ सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद वन प्रोडक्ट या डिफरेंट लाइंस को डील कर रहे होते हैं, ताकि उनका प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सिंपल हो। ईच प्रोडक्ट लाइन इज मेड अप ऑफ सेवरल इंडिविजुअल आइटम्स दैट आर क्वाइट सिमिलर। एक प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, आइटम्स होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं इन देयर बाइंग, इन देयर कंजम्पशन, इन डिस्पोजल या प्राइस वगैरह में। अब जिस कंपनी की सेवरल प्रोडक्ट लाइंस है उसे डिसाइड करना है, दे मस्ट डिसाइड अबाउट विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, के कौन सी प्रोडक्ट लाइंस सुटेबल हैं फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। एज विथ ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन द फर्म कैन ईदर ऑफर एग्जैक्टली द सेम लाइन इन इट्स होम मार्केट एंड अब्रॉड, और इफ सर्कमस्टेंसेस डिमांड मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस। या तो वो सिमिलर
प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी अपने होम कंट्रीज से सिमिलर किसी फॉरेन मार्केट में, या अगर सरकमस्टांसेस जो हैं वो अलाउ नहीं करती तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। यू मस्ट एक्सप्लॉइट योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक लाइव आपने इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल ऑफ मार्केटिंग में पढ़ा होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। अब एक्सपीरियंस ने शो किया कि द प्रोडक्ट्स डू नॉट ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व इन डिफरेंट कंट्रीज। सम कंट्रीज में वो ग्रोथ में होगी तो अदर कंट्रीज में वो मेच्योर हो चुकी। फर्म कैन एक्सटेंड प्रोडक्ट ग्रोथ बाई एक्सपेंडिंग इन टू न्यू मार्केट्स टू कम्पनसेट फॉर डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट्स इन मेच्योर मार्केट्स। ऑन द अदर हैंड कंपनी कैन एंटर न्यू नेशनल मार्केट्स टू रैपिडली बिफोर द लोकल मार्केट इज रेडी टू अब्जॉर्व द न्यू प्रोडक्ट। अब टू अवॉइड सच पिटफॉल्स लोकल मार्केट इज जो कि आप टू अवॉइड सच एरर्स और पिटफॉल्स व्हाट यू डू इज यू टेक एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल कंपनीज में परस्यू सम स्ट्रेटजीज लाइक ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी फेज। वो क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्टरी फेज में, प्रोडक्ट में हैव टू बी डीबग्ड एंड रिफाइंड। आप उसको चेंज करते हैं, उसको एरर्स रिमूव करते हैं, रिफाइन करते हैं। अब दिस जॉब कैन बी बेस्ट हैंडल्ड इन द ओरिजिनल मार्केट और इन अ कंट्री क्लोज टू कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। अब डिफरेंट मार्केट्स हैं, इट शुड बी बस रिमेम्बर्ड, आपको ये याद रखना चाहिए। फॉर सम हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल्स शॉर्ट होती हैं, जल्दी प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब इन केसेस में प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू बी सोल्ड वर्ल्ड वाइड और एटलीस्ट इन ऑल वाइबल मार्केट सून आफ्टर देयर इंट्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मेच्योर हो तो देन आप इंटरनेशनल मार्केट लॉन्च करेंगे, इस तरह नहीं होगा। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में अभी आप कर सकते हो, बट हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में आपको थोड़े से डिसीजन डिफरेंटली लेने पड़ते हैं। समरी में हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या डिस्कस किया। हमने ग्लोबल वारंटी एंड सर्विसेज पॉलिसीज और पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।